गुड मॉर्निंग एवरी वन. टूडे आवर पीरियड इज़ ड्राइंग एंड टॉपिक इज़ अ बॉय फ्लाइंग द काइट. बच्चों अभी उत्तरायण आ रहा है फेस्टिवल, ओके, काइट फेस्टिवल. तो आज हम उससे रिलेटेड ड्राइंग करेंगे. नोटबुक में आपको नीट एंड क्लीन ड्रॉ करना है और उसमें कलर करना है, ओके. सो ओपन योर नोटबुक, कंटिन्यू पेज. सो स्टूडेंट, यहाँ पे आज का टॉपिक ड्रॉ करने के लिए पहले हमें ऐसे नॉट को ऐसे स्टैंडिंग में पकड़नी है और ऐसे एक मार्जिन कर देना है, बराबर 4 साइड बॉक्स बना लेना है. अब हम पहले ड्रॉ करेंगे बॉय. तो बॉय के लिए पहले आपको सर्कल बनाना है. फेस बनाएंगे पहले हम. देखो, ऐसे सर्कल बना लेना है पहले. फिर यहाँ पे उसके ईयर्स, यहाँ पे इसका नीचे फेस बना लेना है पहले. ऐसे देखो, यहाँ पे ऐसे, फिर ऊपर ऐसे हेयर बना लेना है. देखो, फिर यहाँ से नेक बनाने के लिए, हैंड बनाने के लिए, अब लेग बनाएंगे. यहाँ पे ऐसे नीचे लेग्स, देखो इतना हो गया. अब यहाँ पे जिसकी ज़रूरत नहीं वो लाइन बाद में हम इरेज कर देंगे, बराबर. आपको स्टेप बाय स्टेप ड्रॉ करना होगा ऐसे ऑब्जर्व करके, ओके. चलो बॉय हो गया. यहाँ पे
आइस बना देंगे। देखो फेस हो गया उसका। अब बैकग्राउंड बॉय हमारा रेडी हो गया। अब यहाँ पे काइट बनाएंगे। देखो बॉय कैसे बनाना है, तो बॉय इतना हमारा हो गया। आप अपने हिसाब से बैकग्राउंड भी बना सकते हैं और बॉय भी अपने हिसाब से बना सकते हैं। यहाँ पे ऐसे चलो, यहाँ पे एक छोटा हाउस बना देंगे, स्मॉल हाउस बनाएंगे यहाँ पे। यहाँ पे त्री देखो ऐसे त्री बन गया, हमारा हाउस भी बन गया। अब यहाँ पे काइट, सेंटर में लाइन बनाएंगे, यहाँ पे सन बना देंगे। फिर यहाँ से थ्रेड, देखो यहाँ से थ्रेड बना दी हमने ऐसे। आपके यहाँ पे थ्रेड बनाना चाहो तो थ्रेड भी यहाँ पे बना सकते हैं ऐसे। देखो देखो ऐसे हमारा ड्राइंग पेंसिल आउटलाइन में कंप्लीट हो गया। अब हम ब्लैक स्केच पेन करेंगे। देखो बच्चों, पेंसिल से पहले क्लियर आउटलाइन कर देनी है, फिर उसके ऊपर ब्लैक स्केच पेन से आउटलाइन करनी है। आफ्टर वापस एक बार इरेज कर देना है, फिर कलर स्टार्ट करना है। तो अब पहले स्टार्ट करेंगे कलर हम बॉय के अंदर। तो बॉय के अंदर स्किन कलर करना है, जहाँ पे स्किन का पार्ट है वहाँ पे स्किन कलर कर देना है। मीन्स हैंड, माउथ, लेग, नेक के अंदर हम स्किन कलर करेंगे। ओके, अब उसकी टी शर्ट के अंदर यहाँ पे चेरी कलर से मैम बॉर्डर करते। देखो यहाँ पे चेरी कलर कर देना है आपको। देखो मीन्स जहाँ पे ब्लैक आउटलाइन है वहाँ पे हम चेरी कलर कर देंगे। धीरे धीरे दोनों साइड से उसे सेंटर में लेके जाना है और वहाँ पे लाइट करके छोड़ देना है ऐसे लाइट कलर। देखो ऐसे लाइट कलर बॉर्डर पे डार्क करना है, फिर अंदर जाके उसे लाइट कर देना है।
अब जहाँ पे लाइट कलर किया है वहाँ पे हम पिंक कलर करेंगे ऊपर, ऐसे पिंक कलर कर देना है। ऐसे टी शर्ट में पिंक कलर कर देंगे। ओके okay? एक ही डायरेक्शन में कलर करना है आपको। इसकी टी शर्ट में कलर हो गया, अब उसकी पैंट में कलर करेंगे। तो पैंट के लिए हम डार्क ब्लू कलर यूज करेंगे। डार्क ब्लू से आपको बॉर्डर कर देनी है। सेम वे जैसे टी शर्ट में हमने बॉर्डर पे डार्क किया, अंदर जाके उसे लाइट कर देना है। देखो ऐसे सेम आपको पेंट में कलर कर देना है ऐसे। देखो ऐसे हो गया कलर। अब शूज में कलर करेंगे। काइट में मीन स्टेप बाय स्टेप सारे शेप के अंदर आपको अपने चॉइस के कलर करना है बराबर, या फिर आप पीडीएफ में से देख के सेम कलर भी कर सकते हैं। डू यू अंडरस्टैंड एवरीवन? वापस एक बार मैम बताते हैं, नीट एंड क्लीन लाइट ड्रॉ करना है, ब्लैक स्केच पेन से बॉर्डर करनी है, फिर कलर करके पूरा ड्राइंग कंप्लीट करना है। आपको पीडीएफ मिलेगी, पीडीएफ में जो इंस्ट्रक्शन दिया है उसे फॉलो करना है और पूरा ड्राइंग कंप्लीट करना है। डू यू अंडरस्टैंड एवरीवन? ओके, थैंक यू।